Now, the third normal form. According to the EF code, what are the rules for third normal form is? The first is that the table must be in the second normal form and there should be no transitive dependency in the table. Means, agar mere paas koi bhi table hai, koi bhi relation given hai, that relation must be in the second normal form. Agar wo second normal form mein hai, uske baad hi aapko third normal form ke liye check karna hai. Plus, there should be no transitive dependency in the table. And guys, is pe jada concentrate karna because no. Means transitive dependency नहीं होनी चाहिए. अब transitive dependency होती क्या है? Transitive dependency is like कि अगर आपके table में कोई भी non-prime attribute है, non-prime attribute हमने already discuss कर चुके हैं काफी बार कि जो candidate key को बनाने में नहीं participate कर रहे, तो यानी कोई भी non-prime attribute उसको अगर कोई determine कर रहा है, या तो वो prime attribute हो या फिर candidate key हो, मतलब non-prime attribute को कोई non-prime attribute determine नहीं कर सकता. ज़्यादा examine करते हैं इसको हम, like there is a table, student table है, उसमें हमने roll number, state and city. अब यहाँ पे मेरी कैंडिडेट की है रोल नंबर, या प्राइमरी की भी बोल सकते हैं, दैट इज अ रोल नंबर. और रोल नंबर के अलावा हमें यहाँ पे दे रखा है कैंडिडेट की इज अ रोल नंबर एंड फंक्शनल डिपेंडेंसीज इसमें गिवन है. रोल नंबर डिटरमाइंस स्टेट एंड स्टेट डिटरमाइंस सिटी. मीन्स अगर मेरे को रोल नंबर पता है तो मैं किसी भी स्टूडेंट की स्टेट को डिटरमाइन कर सकता हूँ, और अगर मुझे स्टेट पता है तो मैं किसी भी स्टूडेंट की सिटी को डिटरमाइन कर सकता हूँ. जैसे देखिए यहाँ पे अगर मोहाली सेम वैल्यूज़ हैं, तो यानी अगर मेरे को कन्फ्यूज़न है कि क्या ये एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं दो अलग अलग से, तो मैं स्टेट पर गया, वहाँ पर दोनों वैल्यूज़ में क्या है, पंजाब. तो मीन्स मेरे को पता लग जाएगा कि येस देर इज़ ओनली दीज टू वैल्यूज़ रिप्रजेंट टू वन स्टेट. बट अगर मेरे को अब फिर कन्फ्यूजन है कि क्या ये पंजाब एक ही स्टूडेंट है जिसका डेटा दो बार लिखा है या दो अलग अलग स्टूडेंट हैं, तो मैं फिर रोल नंबर पे गया 1 और 3, तो यानी मेरे को पता लग गया कि दो अलग अलग स्टूडेंट हैं जो पंजाब में मोहाली से बिलोंग करते हैं. बट यहाँ पे प्रॉब्लम देखो गाइज क्या है कि रोल नंबर विच इज़ अ कैंडिडेट की वो डिटरमाइन कर रही है किसी स्टेट विच इज़ अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. हाँ, हो सकता है, होना ही चाहिए कि अगर आपके कैंडिडेट की है और वो किसी नॉन प्राइम को डिटरमाइन कर रहा है, दिस इज द नीड कि हर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की से ही डिटरमाइन होना चाहिए. लेकिन अगर आप सेकंड एफडी देखो तो सिटी विच इज़ अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, इट इज़ डिटरमाइंड बाय अगेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट विच इज़ अ स्टेट. क्लियर है गाइज? क्योंकि यहाँ पे मेरी कैंडिडेट की है रोल नंबर, तो यानी प्राइम एट्रीब्यूट मेरे हैं रोल नंबर, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है स्टेट एंड सिटी. तो अगर मेरा रोल नंबर यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट है, मींस रोल नंबर इज अ कैंडिडेट की, और वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, दिस इज टोटली वैलिड. बट द प्रॉब्लम इज ओवर देयर, स्टेट विच इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और वो आगे किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, और यहां पे उसकी वजह से क्या हो रहा है कि रोल नंबर भी सिटी को डिटरमाइन कर रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी दैट रोल नंबर डिटरमाइंस स्टेट एंड स्टेट डिटरमाइंस सिटी. तो यानी यू कैन से रोल नंबर इज डिटरमाइनिंग सिटी. अब रोल नंबर सिटी को डिटरमाइन कर रहा है, बट इट इज नॉट गिवन इन द एफडी, इट इज डिराइव्ड बाय यूजिंग द फंक्शन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. तो ट्रांजिटिव की वजह से रोल नंबर सिटी को डिटरमाइन कर रहा है, बट गाइज रोल नंबर सिटी को डिटरमाइन कर रहा है थ्रू स्टेट, और वो स्टेट क्या है, अगेन अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है. तो दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. Now let's see with a normal example. Like मेरे पास अगर एक relation है A B C D, उसमें चार attributes हैं और एफ डी इज मेरे को गिवन है like A B goes to C and C goes to D. A B goes to C and C goes to D. Now what will be the candidate key over there? As we know, if we take the closure of AB, then it will determine C, and through C I can determine D. So AB is a candidate key over there. So what are the prime attributes over there? Prime attributes are A and B. Non-prime attributes are C and D. Non-prime attributes are C and D. Now check. AB is determining some C.
मींस ए भी यहां पे कैंडिडेट की है और वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रही है. यस इट इज पॉसिबल बिकॉज एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के थ्रू डिटरमाइन हो रहा है तो दिस मस्ट बी देयर. बट सी सी टू डी लुक ओवर देयर सी टू डी डी विच इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो डिटरमाइन हो रहा है किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट से. दिस इज द प्रॉब्लम ओवर देयर. और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ए बी भी डी को डिटरमाइन कर रहा है. अगर आप ए बी का क्लोजर चेक करो तो उसमें ए बी आएगा, ए बी से सी आ रहा है और सी से डी आ रहा है अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं काफी बार. तो ए बी के क्लोजर में डी आ रहा है मींस ए बी डी को भी डिटरमाइन कर रहा है लेकिन किसके थ्रू कर रहा है, सी के थ्रू. और सी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो यानी यहां पे ये सबसे बड़ा फ्लॉ है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है. दिस शुड नॉट बी देयर. हां अगर सी यहां पे प्राइम एट्रीब्यूट होता देन देयर इज नो प्रॉब्लम. अगर यहां पे सी एक प्राइम एट्रीब्यूट होता तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली. और अगर यहां पे डी एक प्राइम एट्रीब्यूट होता देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम. क्योंकि एक प्राइम एट्रीब्यूट को कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है या कोई और एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है दैट डजंट मैटर बिकॉज वो खुद ही एक प्राइम एट्रीब्यूट है. तो यानी वो खुद ही एक वो खुद से डिटरमाइन हो सकता है तो मींस उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम से डिटरमाइन हो रहा है दिस इज द ओनली केस. बस आपको सिर्फ यही केस याद रखना है कि एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट नॉन प्राइम से डिटरमाइन हो रहा है. अगर एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम से हो रहा है नो प्रॉब्लम. एक नॉन प्राइम से प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहा है नो प्रॉब्लम. ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. लाइक देयर इज अ रिलेशन ए बी सी डी और यहां पे मेरे को फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है. ए बी गोज टू सी डी, ए बी गोज टू सी डी एंड डी गोज टू ए. काफी अच्छा एग्जाम्पल है, आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए. फंक्शनल डिपेंडेंसीज है ए बी गोज टू सी डी, डी गोज टू ए. नाउ नाउ नोट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट की. दिस टेबल इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म. नाउ वी हैव टू चेक थर्ड नॉर्मल फॉर्म. दिस व्हाट इज द कैंडिडेट की इन दिस टेबल. कैंडिडेट की हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, सेम पहले चेक कर लीजिए कि राइट हैंड साइड में कौन कौन से एट्रीब्यूट आ रहे हैं. सी डी एंड ए इज कमिंग एट द राइट हैंड साइड. नाउ इफ वी चेक द क्लोजर ऑफ ए बी, सी डी एंड ए राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं तो यानी बी मस्ट बी प्रेजेंट इन द कैंडिडेट की बिकॉज राइट हैंड साइड पे ए सी डी आ रहे हैं बट बी राइट हैंड साइड पे नहीं आ रहा. तो बी अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तभी वो राइट हैंड साइड पे डिटरमाइन हो सकता है. तो यानी बी यहां पे डेफिनेटली यूज होगा ही होगा कैंडिडेट की को बनाने में. बट बी अकेला कैंडिडेट की नहीं है क्योंकि बी का अगर आप क्लोजर लोगे तो दैट विल बी ओनली. तो मैंने ए और बी का कंबाइंड क्लोजर चेक करते हैं. ए बी से आप ए बी को तो डिटरमाइन कर ही सकते हो विच इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी एंड उससे आप आगे सी एंड डी को भी डिटरमाइन कर रहे हो, क्लियरली यहां पे मेंशन है. अब डी से आगे ए को कर रहे हो, ऑलरेडी ए आ गया तो नो नीड टू रीराइट अगेन. Now check कि whether ए बी इज ओनली कैंडिडेट की इन द टेबल. अगर आप इन क्वेश्चनों को कर रहे हो तो बड़े ही आपको काम होके करना पड़ेगा बिकॉज कई बार इनमें सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि आप कैंडिडेट की को मिस कर जाते हो. यहां पे कैंडिडेट की आपकी ए बी आ गई और आपने उसके आगे फॉरवर्ड करना मतलब क्वेश्चन को आगे स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना. लेकिन आप ध्यान दे कि कैंडिडेट की अगर ए बी आ रही है क्या सिर्फ ए बी ही आ रही है या कोई और भी आ रही है. उसके लिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मेथड्स कि अगर आपको पता लग गया कि यस ए बी यहां पे मेरी कैंडिडेट की है, ए कैंडिडेट की आपको पता लग गई ए बी. अब चेक करो कि ए या बी किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है. चेक करो ए किसी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, यस ए बी के राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है. तो यानी आप ए को रिप्लेस कर सकते हो डी से, ए को रिप्लेस कर सकते हो डी से. तो यानी बी साथ में आएगा ही आएगा. लेट्स टेक द क्लोजर ऑफ डी बी. डी बी से डी बी तो आएगा ही आएगा बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्सिव. डी से आपके पास ए आ रहा है और ए बी से आपके पास सी डी आ रहा है. डी पहले ही आ चुका है यानी ये भी एक कैंडिडेट की है, क्लियर है. तो इसीलिए आपकी कैंडिडेट की को अगर यहां पे हम देखें तो दो कैंडिडेट की आ गई हमारे पास, एक ए बी और एक आ गई है डी बी.
Now, what are the prime attributes? Prime attributes क्या होते हैं जो कैंडिडेट की को बनाने में हेल्प करते हैं. तो कौन कौन हेल्प कर रहा है? ए हेल्प कर रहा है, बी हेल्प कर रहा है एंड डी हेल्प कर रहा है. तो वट आर दी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट इज सी ओनली. नाउ चेक कि वेदर यहां पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ रही है या नहीं. पहले यहां चेक करते हैं. ए बी गोज टू सी डी, ए बी गोज टू सी डी. अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करने के लिए देर इज अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन. बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है. करना क्या है आपको, फॉर ईच एफ डी यू नीड टू चेक. जैसे हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में चेक किया, ऐसे ही हम यहां पे चेक करने वाले हैं. फॉर ईच एफ डी एल एच एस मस्ट बी अ कैंडिडेट की और सुपर की और आर एच एस इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. आर एच एस इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. एल एच एस मस्ट बी अ कैंडिडेट की और सुपर की और राइट हैंड साइड इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. यहां पे ध्यान देना देर इज अ और. वहां पे सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में वहां पे एंड था कंडीशन में. एल एच एस शुड बी अ सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की एंड राइट हैंड साइड इज अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. यहां पे आ रही है एल एच एस मस्ट बी अ कैंडिडेट की और सुपर की और राइट हैंड साइड इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. तो अब चेक करते हैं यहां पे एल एच एस. चेक द एल एच एस फॉर ईच एफ डी. पहली एफ डी उठाई ए बी, वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज अ कैंडिडेट की. यस, लेफ्ट हैंड साइड इज अ कैंडिडेट की और कैंडिडेट की किसी भी एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर सकते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यस देयर इज नो प्रॉब्लम, दिस इज अ वैलिड एफडी. नाउ चेक फॉर द सेकंड एफडी, वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज अ कैंडिडेट की. नो, लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की नहीं है. डी इज नॉट अ कैंडिडेट की. बट चेक करो कि क्या राइट हैंड साइड प्राइम एट्रीब्यूट है, यानी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई. बट यहां पे हमारे पास और है. राइट हैंड साइड इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. यस, राइट हैंड साइड इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. सी ए इज अ प्राइम एट्रीब्यूट. तो यानी इसको अगर आप देखो तो यानी एक कैंडिडेट की है जो किसी सी और डी को डिटरमाइन कर रही है एंड एक प्राइम एट्रीब्यूट है और वो किसी आगे प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है. मैंने पहले ही बताया यू जस्ट नीड टू चेक ओनली वन पॉइंट कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम ओवर देयर. अदरवाइज किसी भी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यानी यहां पे एक प्राइम एट्रीब्यूट को कोई प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन कर रहा है, दिस इज वैलिड बिकॉज वो ऑलरेडी प्राइम है. वो ऑलरेडी कैंडिडेट क्यू को बनाने में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज ऑलरेडी अ की एट्रीब्यूट. तो उसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिस इज अ वैलिड. तो यानी ये भी एफडी वैलिड है, ये भी वैलिड है. तो यानी यू कैन से दिस टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. सो दिस टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म. सो समराइज करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म को. सबसे पहले यू हैव टू चेक कि द टेबल शुड नॉट कंटेन एनी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है कि अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा है, इसके अलावा कोई भी केस है आपको वैलिड है, वो आपके लिए वो वैलिड है. सिर्फ यही केस आपको चेक करना है. ये तो है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमने दो क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए हैं. आपको एक ही कंडीशन चेक करना कि अगर एक टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कब होगा. A table will be in third normal form that the table should not contain any transitive dependency. लेकिन उससे better है कि आप याद रखें ये वाली condition कि एक table third normal form में कब होगा अगर left hand side you please make a note of this. अगर left hand side of all फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कैंडिडेट की और सुपर की और राइट हैंड साइड ऑफ ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज प्राइम एट्रीब्यूट.
मतलब आपको अगर क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो एक टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर एक एक करके यू हैव टू चेक ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसी, और चेक क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ऑल द फंक्शनल डिपेंडेंसी मस्ट बी अ कैंडिडेट की और सुपर की, या तो लेफ्ट हैंड साइड सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी की कैंडिडेट की और सुपर की होनी चाहिए। इसके लिए आप ध्यान रखना कि कैंडिडेट की फाइंड करना क्लोजर मेथड से जो हमने किया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी कैंडिडेट की फाइंड करनी है टेबल में, कोई भी मिस नहीं होनी चाहिए। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तो यानी टेबल जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होगा। अगर इन केस किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट की या सुपर की नहीं है तो आपके लिए नो प्रॉब्लम। एक और ऑप्शन है कि राइट हैंड साइड शुड बी अ प्राइम एट्रीब्यूट, तो आप राइट हैंड साइड चेक कीजिए फंक्शनल डिपेंडेंसी की कि क्या वो एक प्राइम एट्रीब्यूट है। अगर वो प्राइम एट्रीब्यूट है तो देन नो प्रॉब्लम, स्टिल द टेबल विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। मतलब ये कंडीशन डायरेक्ट है, ये कंडीशन डायरेक्ट है टू चेक फॉर द थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज देयर और नॉट, दिस इज अ डायरेक्ट कंडीशन फॉर दैट। फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। So thank you guys.